जय हिंद दोस्तों, आज हम चलते हैं नए टॉपिक के साथ और साथ ही इस हार्ट के नए लेक्चर के साथ चलते हैं, ठीक। और आपको बताते हैं इस लेक्चर में आज आप छोटी सी छोटी बातें आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे हम हार्ट के बारे में कल बात किया था और आज हार्ट का हमारा दूसरा लेक्चर है। अब हम बात करते हैं हार्ट की साइज की। सभी लोग ध्यान दें, ये जो हमारी हार्ट की साइज होती है, जो हमारे हृदय की साइज होती है, फिस्ट यानी मुट्ठी के आकार की, ठीक है। फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार की, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है और हमने लिख भी दिया है, ठीक है। आप जानते हैं जिस प्रकार मेरी मुट्ठी होती है उस प्रकार से यहाँ पे साइज जो होती है हार्ट की वो फिस्ट बंद मुट्ठी के आकार की होती है, ठीक। लेकिन इसमें हम बात दो बहुत अहम बात हम सीखेंगे कि जो फिस्ट बंद मुट्ठी के आकार की जो साइज होती है उनकी, जो उनकी शेप होती है, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक एपेक्स और एक क्या होता है बेस। मतलब कि ऊपर जो होता है हार्ट का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपेक्स, जो कि कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। कैसा होता है, पॉइंटेड। पॉइंटेड मतलब कि इस प्रकार से ऐसा होता है, यानी पॉइंटेड होता है। और नीचे क्या होता है, बेस जो होता है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक। अब इसकी बात तो हो गई है, अब ध्यान देते कलर। इसकी जो कलर होती है पिंकिश कलर, यानी पिंक कलर के जो हमारा हार्ट होता है वो पिंक कलर का होता है, ध्यान देना। अब इसकी जो वेट होती है, हार्ट की जो वेट होती है, अगर हम बात करें हार्ट की जो वेट, यहाँ से आपके सारे बात पूरी तरह से जो कन्फ्यूज़न है एकदम दूर हमेशा के लिए हो जाएंगे। अब यहाँ वेट बहुत लोग, बहुत सारे बुकों में देख कर लोग परेशान रहते हैं वेट कितना है कितना नहीं है। बहुत सारे लोग जो वेट होता है उसको मेंशन नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में बने रहते हैं कि हमारा वेट कितना है, ठीक है, हमारे हार्ट का जो वेट है कितना है। अब यहाँ जो मेल की बात करें, ठीक है, ये मेल का एरो है, ये फीमेल का एरो है। अगर एरो की बात करें, अगर जहाँ ऐसा एरो आ जाए तो हो जाएगा बाईसेक्चुअल, अर्थात द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी हो जाएगा, बाईसेक्चुअल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे मेल है, और ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल है। अब यहाँ मेल के अंदर 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि 350 ग्राम तक एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 350 ग्राम का हमारा हार्ट स्थित होता है, लोकेटेड होता है। अब फीमेल के अंदर 240 ग्राम से 280 ग्राम होता है, ठीक। इसी की वजह से इनके अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, इनके अंदर ब्लड की मात्रा कम होती है, ध्यान देना। चलिए इसकी थोड़ा डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ डायग्राम, यहाँ लिखा है लोकेशन, यानी जो हमारा हार्ट होता है कहाँ पे, किस जगह हमारे बॉडी के किस एरिया में शिफ्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उस किस एरिया में शिफ्ट होता है। आप बहुत सारे बुक में पढ़े होंगे, बहुत सारी थ्योरियाँ आपको मिल गई होगी, आप थ्योरी देखकर बहुत बोर से महसूस करते हैं और आप यहाँ से पा जाएंगे लोकेशन। लोकेशन ये लोकेटेड इन मेडिस्टाइनम या चेस्ट कैविटी। ये जो हमारा हार्ट होता है ये मेडिस्टाइनल कैविटी या मेडिस्टाइनम कैविटी या चेस्ट कैविटी, चेस्ट माने फेफड़े की जो कैविटी होती है वहाँ पर पाई जाती है, उस चेस्ट कैविटी को या उस मेडिस्टाइनम को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं भैया, कार्डियक नोच, यानी कार्डियक नोच के अंदर चेस्ट कैविटी या मेडिस्टाइनम पाई जाती है, वहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है शिफ्ट होता है, स्थित होता है, पाया जाता है, ध्यान देना। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, हार्ट मेरा है, आप जान रहे हैं लेफ्ट लंग है, अब ये क्या है, राइट लंग है, ठीक है। लंग्स यहां लेफ्ट लंग्स है और यहां पे क्या है, राइट लंग्स है। अब ध्यान देने दीजिए रसम, मेडिस्टाइनम हमारे लंग्स का, ध्यान दें ये जो लंग्स है लेफ्ट और राइट जो लंग्स है, और यहां पे स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिस्टाइनम बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी बोलते हैं, मेडिस्टाइनम बोलते हैं या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। अब उसी मेडिस्टाइनम चेस्ट कैविटी के जस्ट बगल एक हमारे लेफ्ट लंग में थोड़ा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम है कार्डियक नोच। क्या नाम है, कार्डियक नोच। तो वहीं
हमारा जो हार्ट होता है मिडस्टाइनम या चेस्ट कैविटी के अंदर कार्डियक नोच बना होता है, एक लेफ्ट लंग में थोड़ा सा उभार होता है, गड्ढा होता है, वहीं पे हमारा जो हार्ट होता है वो 340 ग्राम का शिफ्ट होता है, और जहां शिफ्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। तो मैंने आपको वही बात बताया कि लोकेशन लोकेटेड इन मिडस्टाइनम या चेस्ट कैविटी इन कार्डियक नोच, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कार्डियक नोच के अंदर एक क्या कार्डियक नोच के हम ये कह सकते हैं कि मेडिस्टाइनम या चेस्ट कैविटी, जो मेडिस्टाइनम होता है चेस्ट कैविटी होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा डिप्रेशन होता है। क्या होता है डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या होता है गड्ढा, जहाँ गड्ढा होता है उसे हम अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन कहते हैं, तो उसे डिप्रेशन का नाम क्या है भैया, कार्डियक नोच। ध्यान दें, अब यहाँ है कार्डियक नोच के बारे में, दिस इज द डिप्रेशन, मैंने भी आपको बात बताया कि दिस इज द डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है खाली जगह, क्या होता है खाली जगह होता है इन लेफ्ट लंग, मैंने कहा कि लेफ्ट लंग में एक थोड़ा सा डिप्रेशन, क्या होता है डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन आप देख कितना बड़ा डिप्रेशन आप देख रहे हैं, डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन का जानते हैं क्या होता है 2/3 टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी क्या होता है लेफ्ट साइड में कितने पार्ट होते हैं बताइए, 2 parts होते हैं, क्या होता है 2 parts होते हैं, तो यहाँ तीसरा थर्ड पार्ट क्या होता है कार्डियक नोच होता है, क्या होता है कार्डियक नोच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं डिप्रेशन कहते हैं, और उस डिप्रेशन क्या नाम है कार्डियक नोच है, और कार्डियक नोच कहाँ पाया जाता है मेडिस्टाइनम या चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एक डिप्रेशन है हमारे लेफ्ट लंग में, एक डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन का नाम क्या है कार्डियक नोच है, और कार्डियक नोच कहां पाया जाता है चेस्ट कैविटी में पाई जाती है और मेडिस्टाइनम में पाई जाती है जो कि लेफ्ट लंग में लोकेटेड होती है। तो इसी के साथ आप ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक को आप बात करेंगे ताकि आपको बोर ना हो। एक्चुअली अगर आप जानना चाहते हैं कि सर ये कौन सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ध्यान देना हम इस नीट को लेकर चल रहे हैं, ठीक, नीट, और नीट के साथ आपके जानते हैं TGT और PGT और LT के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कवर होते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा तो कवर होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।